पुलिस लाठीचार्ज को लेकर हापुड़ में महापंचायत हुई। आगरा समेत कई जिले के अधिवक्ता पंचायत में शामिल हुए। हापुड़ में अधिवक्ता दो फाड़ हो गए। इस वजह से हापुड़ बार के वर्तमान पदाधिकारियों ने पंचायत कर दोषी अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को हापुड़ में हुई महापंचायत में अधिवक्ताओं ने हुंकार भरी है। पंचायत में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों का प्रतिनिधि मंडल शामिल होने गया। आगरा की महिला अधिवक्ता हरजीत अरोरा के साथ भी वकील हापुड़ महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हापुड़ में कचहरी के बाहर रोड पर टेंट लगाकर अधिवक्ताओं ने महापंचायत की। इस दौरान वकीलों ने हापुड़ में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर आक्रोश व्यक्त कर दोषी अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। हमारे आगरा से काफी अधिवक्ता साथी हापुड़ में महासम्मेलन में होने के लिए गए हैं। उन्होंने अरजीत अरोड़ा गई हैं और उनके साथ काफी अधिवक्ता भी गई हैं। उन्होंने मुझे फोन पर मोबाइल पर द्वारा बताया है कि हापुड़ कचहरी के सामने जो रोड है उस रोड पर ही बंद करके महासम्मेलन की तैयारी हुई है। वहाँ पर पंडाल लगा के महासम्मेलन चल रहा है, जिसमें हापुड़ के आसपास के और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हजारों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं और अपने अपने विचार रखकर उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की आलोचना कर रहे हैं कि आज तक हापुड़ SP का और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है और अधिवक्ताओं की मांगे नहीं मानी गई हैं, ना ही प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है और बड़े जोर शोर से मापे अधिवक्ता मुखारविंद होकर अपने विरोध प्रकट कर रहे हैं। हापुड़ में लाठीचार्ज होने पर काफी अधिवक्ता घायल हुए थे, फिर भी दोषी अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली है, अधिकारियों का तबादला भी नहीं किया गया है। लाठीचार्ज के बाद हापुड़ समेत कई जिलों में अभी भी हड़ताल चल रही है। आगरा के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल कई बार समर्थन में हापुड़ जा चुका है। कोतवाली जनपद हापुड़ में गए थे वार्ता करने हेतु एक पीड़ित हमारी अधिवक्ता साथी की पैरवी हेतु। वहाँ पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध स्वरूप कई आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों की श्रृंखला में आज एक अधिवक्ता महापंचायत का कार्यक्रम हापुड़ बार द्वारा आयोजित किया गया है। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के तथा देश के विभिन्न महत्वपूर्ण जिलों के अधिवक्ता साथी वहाँ पर भाग ले रहे हैं। आगरा जनपद के भी काफ़ी अधिवक्ता गए हैं उस महापंचायत में भाग लेने हेतु, परंतु प्रशासन और शासन का पूरी तरीके से ये प्रयास है किसी भी तरीके से उस आंदोलन को, जो शांतिपूर्वक आंदोलन है जिसमें अधिवक्ता साथी अपनी बातें रखनी अपनी मांग के लिए गए हैं, उसको दबाया जा सके, उसको उनको डराया धमका जा सके, परंतु अधिवक्ता किसी तरीके से दबाव में नहीं आएगा। कोई झुकने वाला नहीं है। अपने स्वाभिमान अस्मिता और हमारी जो छवि है उसके विरुद्ध ये जो प्रशासन जो कार्य कर रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना अधिवक्ता साथियों के साथ हो रही है। अधिवक्ता साथी समाज के विभिन्न जो बात कर रही हो तो उनकी पैरवी करता है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने काम को संपादित करता है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा उसके कार्य में हस्तक्षेप करके आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएँ घटती रहती है। उसी के संबंध में ये महापंचायत का आज आंदोलन है और महापंचायत में जो भी अधिवक्ता गण वहाँ पर जो विभिन्न जनपदों के हैं जो निर्णय लेंगे उसका हम अक्षरतः पालन करेंगे। हापुड़ में वकीलों ने महापंचायत कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बताया गया है कि महापंचायत में हापुड़ जा रहे अधिवक्ताओं को रोकने के लिए टोल प्लाजा पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। वकीलों को हापुड़ जाने से रोका गया, रोककर गाड़ियों के नंबर प्लेट नोट किए गए। पुलिस से बचने के लिए आगरा के वकील सादा कपड़े पहन कर गए। हापुड़ महापंचायत में वकीलों ने हुंकार भरते हुए कार्यवाही न होने तक आंदोलन का ऐलान किया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।